जयपुर और फुलेरा के बीच बुधवार रात भुज बरेली एक्सप्रेस के जनरल कोच में जयपुर से चढ़े हथियारबंद युवकों ने डरा धमका कर यात्रियों के मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। इस दरमियान बीच बचाव करने आए यात्रियों के साथ भी मारपीट की गई। आरोपी फुलेरा में ट्रेन रुकते ही फरार हो गए। यात्रियों की सूचना पर ट्रेन में चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने आसपास पड़ताल भी की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। ट्रेन के अजमेर पहुंचने पर भी लुटे हुए यात्रियों को पुलिस का सहयोग नहीं मिला। कभी जीआरपी, कभी आरपीएफ और कभी स्टेशन मास्टर के दफ्तर के चक्कर लगाने के चक्कर में ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई। कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि डेली पैसेंजर्स जो अप डाउन करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और ट्रेन रुकने से पहले अंधेरा देखकर भाग निकले। सर, आज हम जयपुर से अजमेर के आ रहे थे, तो रास्ते में जयपुर से कुछ लोग चढ़े, 500 जने तो कम से कम 100 जने जो बेरदार चढ़ते रोज अप डाउन करने के लिए, वो चढ़े साथ में। तो उन्होंने थोड़ी देर चढ़ी ट्रेन, उसके बाद एक एक जने से पूछा, भाई कहाँ जाएगा तू? किसी ने बोला भाई मैं वहाँ जाऊँगा भुज, तो उसको साइड में ले गए, उसको मारा पीटा, उससे पैसे वैसे ले लिए, मोबाइल ले लिए। फिर ऐसे एक एक करके सब जनों, जो जो 5-7 जने थे, उनको सबके साथ ऐसे किया उन्होंने। अभी सर हमको आए हुए सर, ट्रेन आए हुए आधा पौन घंटा हो गया, लेकिन हम आए सर तो उधर उस वाले थाने पे गए, तो वो बोलता उधर जाओ, उधर वाले बोलता कि स्टेशन मास्टर पे जाओ, इतने में ट्रेन चली गई सर, वो पैसेंजर यहीं ले गए सर, उनके साथ घटना हुई है वो यहीं ले गए सर, उनकी ट्रेन तो चली गई सर यहाँ से। ऊपर सो रहे थे, ऐसे शॉल बांध के ऊपर सो रहे थे, और मैं सो रहा था, वो आया और मुझे 2-4 झप्पर लगाया, नीचे निकाला, फिर उसने बोला कभी इधर हाथ फसा रहा, कभी इधर पा रहा, फिर मुझे मार रहा, फिर मेरा पार्सल ले लिए, उसमें थे 500 रुपये मेरा निकाल लिए, और मैंने बोला सर मैं यही पैसे है मेरे को, मुझे बहुत दूर जाना है, फिर वैसे ही 2-4 झप्पर लगाया, फिर बोला मैं थोड़ा इधर साइड हो गया, फिर मैं पीछे तरफ भाग गया। तो जयपुर से लगभग 15-20 जने पूरे संगठित होकर उसमें चढ़े। कुछ देर बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मारपीट करना शुरू किया यात्रियों के साथ में, और उसके बाद में इन्होंने, एक आदमी ने रिवॉल्वर निकाली और बाकी के 1 या 2 जनों के पास में चाकू थे, उन्होंने यात्रियों के साथ मारपीट करना चालू किया। उसके बाद में उन्होंने पैसे लिए, कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये की डकैती की उन्होंने उसके साथ में, और पूरे कमरे में उन्होंने एक तरह से मतलब इतना आतंक फैला दिया कि कोई भी पैसेंजर उनका वापस जो है सामना करने का दुस्साहस नहीं कर सका। उन्होंने यात्रियों से 2 मोबाइल फोन, 6,000 रुपये की नकदी लूट ली। जीआरपी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर कुमार सिंह ने घटना की जानकारी कुछ यूं दी। इस तरह की घटना उसी ट्रेन में इन्हीं लोगों के द्वारा कुछ और लोगों के साथ भी की गई, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं आए, वो उसी ट्रेन में आगे चले गए हैं। इनका ये बताना है कि ऐसी घटना औरों के साथ भी हुई है। तो मूल रूप से ये सामने आया है कि कुछ लोगों ने कोई इस तरह की हरकत जो है, छीना झपटी है, लूटपाट की हरकत वहाँ पर करने की कोशिश की है, और उसमें से दो पीड़ित जो हैं ये अजमेर थाने पर हमारे पास पहुँचे हैं। ये इनसे पूछताछ हो रही है, और इनके कथन के आधार पर, जो भी इनका पर्चा बयान है उसके आधार पर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी।